दोस्तों किसी ऐसे क्रिकेटर के बारे में सोचिए जो अपने हर एक मैच में सेंचुरी भी मारे और कभी आउट भी ना होता हो। आप कहेंगे भाई ऐसा तो दुनिया में कोई भी प्लेयर नहीं है जो कभी आउट ना हुआ हो और उसने हर मैच में सेंचुरी मारी हो। वैसे आपका कहना तो सही है, लेकिन एक ऐसा प्लेयर भी हुआ है जिसने अपने खेल में ऐसी महारत हासिल की थी कि उसके पूरे जीवन में उसे कोई भी उसके खेल में हरा नहीं सका। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं द ग्रेट गामा पहलवान गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट की, जिन्होंने पहलवानी की दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि लोग हैरान रह गए। क्योंकि गामा पहलवान ने अपने पूरे जीवन में करीब 5000 से ज्यादा फाइट लड़ी, लेकिन किसी भी फाइट में वह कभी नहीं हारे। और गामा पहलवान की इसी काबिलियत के कारण मार्शल आर्ट की दुनिया के किंग कहे जाने वाले ब्रूसली भी उनके प्रशंसक थे। क्योंकि एक समय पर तो उनके ओपोनेंट भी ये जान गए थे कि गामा पहलवान से कुश्ती लड़ने का मतलब हार ही होती है। इसी कारण एक समय तो ऐसा भी था जब कोई भी पहलवान गामा पहलवान से लड़ने की भी हिम्मत नहीं कर सका और पहलवानी करने के लिए भी गामा पहलवान को विदेश में जाना पड़ा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत की मिट्टी में जन्मे दुनिया के सबसे ताकतवर पहलवान द ग्रेट गामा पहलवान की कहानी के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही यह भी जानेंगे आखिर गामा पहलवान की डाइट क्या थी और वह अपनी ट्रेनिंग किस तरह से करते थे, और साथ ही जानेंगे कि कैसे गामा पहलवान ने भारत की कुश्ती को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहचान दिलाई। दोस्तों यह भले ही नामुमकिन सा लगे कि कैसे कोई अपनी पूरी जिंदगी कुश्ती जैसे ताकत के खेल में अनबीटेबल रह सकता है, पर गामा पहलवान के लिए यह बात सच्चाई थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में 5000 से ज्यादा मुकाबले खेले, जिनमें से ज्यादातर भारतीय पहलवानों के साथ किए गए मुकाबले थे और कुछ इंटरनेशनल पहलवानों के साथ किए गए मुकाबले थे, लेकिन इनमें से किसी भी मुकाबले में गामा पहलवान नहीं हारे। हाँ कुछ मुकाबले टक्कर के तो रहे, लेकिन उनमें भी गामा पहलवान उन मुकाबलों को ड्रॉ करवाने में कामयाब रहे। कई रिसर्च बताती है कि गामा पहलवान केवल 5'7" के थे, जिसके कारण उन्हें कई बार विदेशों में फाइट करने के लिए भी रोका गया। लेकिन गामा पहलवान अपने खेल में इतने बेहतर थे कि वह बिना डरे अपने से कहीं ऊंचे खिलाड़ियों को चुनौती दे दिया करते थे और मैच में जीत भी जाया करते थे। इसके अलावा अगर गामा पहलवान के जीवन की बात की जाए तो गामा पहलवान का जन्म 22 मई 1878 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद अजीज था, जो एक काफी फेमस पहलवान थे। यानी गामा पहलवान को पहलवानी का यह टैलेंट उनके पिता से ही मिला था। गामा पहलवान की सबसे पहली और मशहूर फाइट 1888 में हुई। उस दौरान गामा पहलवान राजस्थान के जोधपुर में एक कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे थे। इस पूरी प्रतियोगिता में 400 पहलवानों ने भाग लिया था, जिनमें से कई तो इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर थे। लेकिन जब गामा पहलवान उस प्रतियोगिता में पहुंचे तो सब उन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि उस समय गामा पहलवान की उम्र केवल 10 साल की थी। लोग देखकर काफी हैरान थे कि कैसे एक 10 साल का लड़का अपने से दोगुना से भी ज्यादा उम्र के पहलवानों से कुश्ती के लिए प्रतियोगिता में आया है। शुरुआत में तो उनकी कम उम्र के कारण गामा पहलवान को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से भी मना कर दिया था, क्योंकि पहलवानों को डर था कि कहीं फाइट के दौरान वह गामा पहलवान को कोई चोट ना पहुंचा दे। पर गामा पहलवान के जोर देने पर उन्हें इस फाइट में हिस्सा लेने दिया गया। और जब यह प्रतियोगिता शुरू हुई तो परिणाम काफी चौंका देने वाले थे। जी हाँ, गामा पहलवान ने अपनी अद्भुत कुशल प्रतिभा से सभी को हैरान कर दिया था, क्योंकि इन 400 पहलवानों की प्रतियोगिता में 10 साल के गामा पहलवान ने कई मशहूर और ताकतवर पहलवानों को हरा कर 15 विजेताओं में अपनी जगह बना डाली थी, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया था। उस समय जोधपुर के महाराज भी वही मौजूद थे, जो गामा पहलवान की कुश्ती को देख कर इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने गामा पहलवान को ही विजेता घोषित कर दिया, जिसके बाद जल्द ही उन्होंने कई और फाइट जीती, जिससे गामा अपने आसपास के राज्यों में काफी प्रसिद्ध हो गए। पर नेशनल लेवल पर उन्हें प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने 1895 में केवल 17 साल की उम्र में रुस्तमे हिंद के नाम से प्रसिद्ध उस समय के भारत के सबसे सफल पहलवान रहीम बख्श को चैलेंज दे दिया। दोस्तों यह चैलेंज जब दिया गया तो ज्यादातर लोग गामा पहलवान पर हंस रहे थे, क्योंकि रहीम बख्श देश के सबसे मशहूर और ताकतवर पहलवान थे।
जिन्होंने कई विदेशी पहलवानों को भी हराया हुआ था। इतना ही नहीं बल्कि इन दोनों की फिजिकल बॉडी को देखते हुए भी इस चैलेंज का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि रहीम बख्श की लंबाई 6 फुट 9 इंच थी जबकि गामा पहलवान 5 फुट 7 इंच के थे। लेकिन जब रुस्तम हिंद रहीम बख्श ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया तो इन दोनों के बीच अखाड़े में कई घंटों तक पहलवानी का मैच चला, पर कई घंटों की मशक्कत के बाद भी इस मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। लोग देखकर हैरान थे कि कैसे एक 17 साल का लड़का भारत के रुस्तम हिंद कहे जाने वाले रहीम को पटकनी दे रहा था, जिसके बाद मैच में कोई नतीजा भले ही ना निकला हो, लेकिन इससे गामा पहलवान पूरे भारत में मशहूर हो गए थे। इसके बाद तो हर साल गामा पहलवान ने कई बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ी, लेकिन कभी भी किसी भी मैच में उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा, और यह बात गामा पहलवान को दुनिया के किसी भी दूसरे पहलवान से सबसे अलग बनाती थी, जिसके कारण उनके फाइट करने से पहले ही ओपोनेंट प्लेयर यह जानते थे कि इस मैच में उनकी हार तो भैया तय है, जिसके कारण ज्यादातर समय तो ओपोनेंट प्लेयर उनके साथ मैच खेलने ही नहीं आते थे। जिसके कारण एक समय तो ऐसा आया जब गामा पहलवान के पास भारत में लड़ने के लिए कोई ओपोनेंट ही नहीं बचा, जिसके बाद 1910 में उन्होंने विदेशी पहलवानों को हराने का सोचा, जिसके लिए गामा पहलवान ब्रिटेन पहुंचे, पर यहां पर गामा पहलवान की काबिलियत को नजरअंदाज करते हुए उनकी कम लंबाई के आधार पर उन्हें दूसरे लंबे फाइटर से फाइट करने का मौका ही नहीं दिया गया। लेकिन गामा पहलवान हार मानने वालों में से नहीं थे, उन्होंने वहीं दुनिया के सबसे मशहूर पहलवान स्टैन लॉस ज़बिस्को को कुश्ती की खुली चुनौती दे दी। स्टैन लॉस ज़बिस्को ने भी गामा पहलवान की चुनौती को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद 10 सितंबर 1910 को गामा पहलवान और स्टैन लॉस के बीच एक कड़ी फाइट हुई जो करीब 2.5 घंटे तक चली। लेकिन इस फाइट में गामा पहलवान ने स्टैन लॉस की हालत काफी खराब कर दी थी, पर फिर भी अंत में स्टैन लॉस ने कम बैक किया और इस मैच के अंत में फैसला ड्रॉ ही रहा, यानी दोनों में से किसी की भी जीत नहीं हुई। इस मैच को जिसने भी देखा वह गामा पहलवान के हुनर को देखकर हैरान था कि कैसे जिस पहलवान को कुछ समय पहले तक विदेशों में कोई नहीं जानता था, वह पहलवान अब दुनिया के सबसे मशहूर पहलवान को भी कड़ी टक्कर दे रहा है। जिसके बाद स्टैन लॉस और गामा पहलवान के लिए एक और पहलवानी का मुकाबला तय किया गया ताकि इन दोनों में विजेता को घोषित किया जा सके। पर जिस दिन मैच होना था उस दिन स्टैन लॉस ने गामा पहलवान के सामने फाइट करने से मना ही कर दिया, जिसके बाद गामा पहलवान को विजेता घोषित कर दिया गया। इस जीत के बाद भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी गामा को दुनिया के सबसे ताकतवर पहलवान के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद तो एक के बाद एक गामा पहलवान ने कई मशहूर पहलवानों को हराया। अब केवल दुनिया में एक ही ऐसा पहलवान बचा था जिसे गामा हरा नहीं सके थे, और वो थे उस समय के भारत के रुस्तम हिंद रहीम बख्श, जिसके कारण इन दोनों के बीच 1911 में एक और फाइट तय की गई। इस समय तक रहीम बख्श की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी और लगभग सभी को इस मैच के नतीजों का पता लग गया था, जिसके बाद रहीम बख्श और गामा के बीच कई घंटों तक कड़ी फाइट चली और अंत में गामा पहलवान ने बख्श को हरा दिया, जिसके बाद गामा पहलवान को रहीम बख्श का रुस्तम हिंद का टाइटल भी मिल गया। इसके बाद गामा पहलवान ने फाइट लड़ना कम कर दिया और उन्होंने अपनी आखिरी फाइट 52 साल की उम्र में स्वीडन के पहलवान जेम्स पीटरसन से लड़ी, जो 1927 में हुई थी, और अपनी आखिरी फाइट में भी 52 साल की उम्र के बावजूद गामा पहलवान ने उस फाइट को भी जीता। चलिए अब जानते हैं कि आखिर गामा पहलवान की डाइट और ट्रेनिंग क्या थी। गामा काफी बड़े शरीर के मालिक थे और उनके कुश्ती के ओपोनेंट भी काफी ताकतवर होते थे, इसीलिए गामा पहलवान भी अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए एक बड़े डाइट प्लान को फॉलो करते थे। कई पुराने न्यूज़पेपर और दस्तावेजों से पता चलता है कि गामा पहलवान रोजाना करीब 15 लीटर दूध, 3 किलो मक्खन, 9 किलो बादाम और 3 टोकरी फलों को खाते थे। इसके अलावा उनकी ट्रेनिंग में रोजाना 40 से ज्यादा पहलवानों के साथ कुश्ती, 5000 सेटअप और 3000 पुशअप शामिल थे, और उनकी इसी कड़ी मेहनत का नतीजा था कि वह अपने आखिरी मैच तक अनबीटेबल रहे। गामा पहलवान की मृत्यु। तो एक समय पर भारत देश की शान कहे जाने वाले गामा पहलवान ने पार्टीशन यानी आजादी के बाद भारत की बजाय पाकिस्तान में रहना चुना, और अपने अंतिम समय में तो गामा पहलवान को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा,
क्योंकि उनके जीवन के अंत में उनका शरीर कई तरह की बीमारियों से प्रभावित हो चुका था और उस समय उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा पाकिस्तानी सरकार ने भी उनकी ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प नहीं की, जिसके कारण 82 साल की उम्र में 23 मई 1960 पाकिस्तान के लाहौर में गामा पहलवान ने अपनी अंतिम सांसें ली। गामा पहलवान की काबिलियत के कारण 19th सेंचुरी में उन्हें भारतीय कुश्ती का सबसे महान पहलवान कहा जाता था। आज भी भारत के बड़ोदरा के सायाजी बाग में बने एक संग्रहालय में ऐसे कई बड़े पत्थर हैं जिनका वजन करीब 1200 किलो है और ये वही पत्थर है जिनकी मदद से गामा पहलवान ट्रेनिंग किया करते थे। कई बार यह हैरान कर देता है कि कैसे उस समय ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद ना होने के बावजूद भी गामा पहलवान ने पत्थर जैसी चीजों से ट्रेनिंग करके अपने शरीर को इतना ताकतवर बना लिया था कि उनके सामने दुनिया का कोई भी पहलवान टिक नहीं पाता था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।